अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है, बूंदी रायता भी है और साथ में पापड़ भी। और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। अरे कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऐसी दुखी सा चेहरा लेके बैठे रहोगे क्या? चलो प्लीज खा लो। नो, मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ प्लीज। रोहन थोड़ा सा तो खा लो। रोहन प्लीज खा लो। अरे नहीं खाना है ना? अनु प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, स्लीप में रहो। देखो रोहन, कि भूखे पेट बैठ के हड़ताल करोगे तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा। सारी चीजें भूल जाओ और खाना खाओ। बोल ही तो गया था, सब कुछ भूल ही गया था, सब कुछ भूल ही तो गया था अनु। भूल गया था इसलिए वो किसी और की होने जा रही है। तुम किस बात कर लो? तेरे अपने दुख, उन्होंने मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा लो कि मुस्कान मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। नहीं समझा जरूरी नहीं, तेरा भी आइडिया हो मुझ पर क्या भी प्रेस पर दौड़ी क्या सुन? देखो मुस्कान की एंगेजमेंट हो चुकी है, अब वो किसी और की बन चुकी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तो फिर तुम क्यों नहीं बढ़ सकते? नहीं 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 अनु, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। मुस्कान सिर्फ मुझसे प्यार करती है अनु, सिर्फ मुझसे। उसके सासू में बसा हूं मैं, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती अनु। She can't do that. उसके सर कोई मजबूरी है, वो नहीं करती, वरना वो ऐसा नहीं करती अनु। नहीं, मैं ये बात मान नहीं सकता, नहीं मान सकता मैं ये बात सर। अभी नहीं, तो मेरी दोस्त सुनो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मुस्कान से मिलना है। I really need to meet.
प्लीज मेरी मदद करो अनु, चलो मेरे साथ। अनु अभी चलो, मुझे मुझसे मिलना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर ने तुम्हें आराम। अरे भाई नहीं गई तबीयत, मुझे मुझे मुस्कान से मिलना अनु, मुझे मुस्कान से मिलना। मेरी मदद करो प्लीज। रोहन मैं तुम्हें मुस्कान से मिलाऊंगी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मुस्कान से मिलाऊंगी। अभी नहीं, मैं उससे बात करूंगी। प्लीज खाना खाओ अभी प्लीज। बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। मेरे ऊपर भरोसा करती हो कि नहीं करती हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बात कराऊंगी, तुम्हें उससे मिलाऊंगी। अभी खाना खाओ प्लीज। चलो तू कुछ प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, बैठो। मैं तुम्हारी रोहन, मैं तुम्हारी बात कराऊंगी, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। रोहन प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मुस्कान से मिलवाऊंगी, मैं तुम्हारे उससे बात कराऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझसे वादा करो तुम मुझे मुस्कान से मिलाओगी। I promise. मुझे मुस्कान से मिला दो, मुस्कान से मिला। अनुष्का बोल रही हूँ, मुस्कान से बात हो सकती है प्लीज? हाँ एक मिनट। हाँ दीदी आपका फोन। कौन है? ओ रोहन दादा बाबू का दोस्त अनुष्का दीदी मोनी। हाँ अनुष्का, अब मुस्कान मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। नहीं नहीं फोन पे नहीं बता सकती, मैं एक घंटे बाद तुम्हारे कैफे की तरफ आ रही हूँ, तो वहीं पर मिलके बात करते हैं। ओके ओके। कुछ ठीक तो है ना? रोहन रिलैक्स मुस्कान, रोहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन 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 वो कब तक ठीक है ये नहीं मालूम। मतलब साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि दिमागी असंतुलन। बहुत दिन से उसका इलाज भी चल रहा है। भैया और भाभी ने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी और वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और तुम्हारी एंगेजमेंट के बाद रोहन का अचानक से दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो ना कि सिर्फ बेहोश हुआ बल्कि अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। मुस्कान मुस्कान, रोहन फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है,
कहते कि तुम्हें पहले से जानता है, उसकी उसकी याददाश्त चली गई थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुस्कान, ये सारी बातें झूठ हैं, सच नहीं है, ये सिर्फ उसके दिमाग के ख्याल हैं, उसकी सोच है, उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल चल रहे हैं, वो कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है। मुस्कान, मैं चाहती हूँ कि तुम उनके तुम उसके इन ख्यालों में उसका साथ दो, उससे जाकर एक बार मिलो, वो जो कहे उसे सुनो, उसे मानो, उसे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। तुम जाओगी ना उसके पास? कहाँ, तुम जाओगी ना उसके पास? हाँ, तुम जाओगी ना उसके पास? हाँ, थैंक यू सो मच। दोस्त मानता था मैं आपको, मैं सबसे करीब मानता था, आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इतनी बड़ी बात आपसे मैं कहता रहा कि मुस्कान और मेरा कोई पुराना रिश्ता है, वो एक बात की बात हुआ, कुदरत का इशारा, फिर भी आप चुप रही रही को मेरे जिंदगी से बाहर निकाल दिया। किसी और को दे दिया उसे आपने? क्यों, क्यों? और यहाँ, यहाँ, अरे आप तो मेरे सगे सगे मेरे अपने हो आप। आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों, क्यों? संभालो अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं कहा था ना आपसे कि रोहन से उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कराकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखा ना आपने क्या हुआ। मुस्कान रोहन को अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल चुकी है, भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। याददाश्त खोने से पहले मुस्कान ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए थे। जी, वो फैसला उसने गुस्से में लिया था। हम सब जानते हैं कि रोहन और मुस्कान एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पर आपने देखा ना, रोहन को अभी बस इतना याद आया है कि मुस्कान उसकी जिंदगी में पहले से थी, वो उससे प्यार करता था और उसने ऐसे बिहेव किया। आप ये सोचिए कि जब उसे ये याद आएगा कि मुस्कान उसकी पत्नी थी, वो क्या करेगा? वो हमें कभी माफ नहीं करेगा राजीव, कभी माफ नहीं करेगा वो हमें। प्रीति, प्रीति सब ठीक हो जाएगा। देखो प्रीति, कुछ सवालों के जवाब वक्त पे छोड़ देना चाहिए, सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा।
क्यों किया सब उसका? क्यों नहीं बताया मुझे कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? You know what? आज मुझे याद आ गया सब कुछ, हमारी बातें, हमारी मुलाकातें, हमारा प्यार, वो मंदिर, सब कुछ, सब कुछ। और अभी भी मेरे मन में इतने सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिल नहीं रहे मुस्कान, और वो जवाब तुम ही दे सकते हो। I'm sorry, रोहन, तुम मुझसे घर मिलने आए थे और मैं तुमसे मिल नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिल। It's okay. मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी माँ श्रीकृष्ण लायक में नफरत करती है वो मुझसे। मॉम तुमसे नफरत क्यों करेगी रोहन? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। उन्होंने वो मंजूर नहीं है मुस्कान, इसलिए। रोहन, रोहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कब तक ठीक है ये नहीं मालूम। मतलब? साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि दिमागी असंतुलन। बहुत दिन से उसका इलाज भी चल रहा है। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ मुस्कान, मैं ठीक हूँ। मेरे सवालों के जवाब जाने बगैर मैं यहाँ से जाने नहीं वाला मुस्कान, नहीं जाने वाला मैं। तुम्हें आज मुझसे बात करनी होगी मुस्कान। मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं सब कुछ भूल गया था, पर तुम तो मुझे जानती थी ना, तो क्यों याद नहीं दिलाया मुझे? साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि दिमागी असंतुलन। पता नहीं कैसे महकी महकी सी बातें कर रहा है, कहता है कि तुम्हें पहले से जानता है, उसकी याददाश्त चली गई थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और पता नहीं क्या 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 सब क्या हो गया था मुस्कान कि तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। मेरे रिश्ते में बंधे जा रही हो तुम्हें क्या मैं पागल? दोबारा तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, बोलो मुस्कान, बोलो मुस्कान। तुम्हारी एक खामोशी मेरा जवाब नहीं है मुस्कान, मुझसे बात करो। ऐसे क्या हो गया था जो तुम मुझसे इतना दूर चली गई? मैंने कुछ कहा था तुमसे, अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया था मैंने। उसका लोग प्यार करते, पर मैंने तुम्हारे प्यार को अपनी जिंदगी माना है हमेशा। देखो मेरी तरफ प्लीज, टेल मी व्हाट हैपेंड। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसकी सजा पाने के लिए तैयार हूं मुस्कान, पर यूं मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मंदिर याद है मुस्कान? वहां हमेशा जाया करते थे, हमारी लड़ाई का हर फैसला हम भगवान के सामने किया करते थे, और तुम तो भगवान जी से लड़ाई करके उन्हें कन्विंस करती थी तुम्हारी साइड लेने के लिए। लोग हम पर हंसते थे मुस्कान, हमारा मजाक उड़ाते थे। हम फिर से वैसे क्यों नहीं हो सकते मुस्कान? एक काम करते, चलो मेरे साथ उस मंदिर में, पूछते भगवान जी से क्या उन्हें ये सब मंजूर है, क्या उन्हें मंजूर है कि हम जुदा हो जाए। तुम्हारे इस नए फैसले से वो खुश है? मुझे नहीं लगता मुस्कान। मुझे याद है मुस्कान, उस दिन जब तुम अपने मां से झगड़ के मुझसे मिलने आई थी तो कैसे डांट पड़ी थी मुझे, सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा, पर ठीक है,
और वो आइसक्रीम पार्लर, हम हमेशा झगड़ा किया करते थे कि पहले पैसे कौन भरेगा। वो सब याद है तुम्हें? बोलो मुस्कान, याद है या नहीं? बोलो मुस्कान। मुझे कुछ याद नहीं है रोहन, क्योंकि ये सब हम दोनों के बीच कभी हुआ है।